वैसे परी, तुम भी तो हीर का किरदार कर सकती थी ना। क्यों नहीं किया? तो इसका आपने होल्ड किया, ठीक है, आराम से, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी ये। अच्छा परिका, मैं तो बहुत गुस्से में, तुम्हारी तो खैर नहीं है। वजह ये? हाँ नहीं, ऐसे तो हीर ने गिर जाना है, वो टेढ़ी मेढ़ी जमीन पे ऐसे कैटवॉक। और यार जिब्रान भाई क्या हो गया है? वेरी गुड, सीख लिए, अब करके दिखाओ, ठीक है, शाबाश। हाँ ये विनर वॉक, हीर के लिए तालियां। क्या हुआ? वही जिसका डर था। पर गुस्सा कर गए? जी बहुत ज्यादा। अरे प्लीज यार समझाओ उसे। समझाओ? मैं क्या समझाऊं, और वैसे भी मेरे समझाने से उसे कुछ समझ नहीं आती है। भाई क्या कह रही थी? कह रही थी इस दफा चलने की बारी रौनक की है। रौनक थोड़ी चलता है उससे, और वैसे भी उसने मोहब्बत इस शर्त पे नहीं की थी कि उसे हर प्रेम में हीरोइन लेगा। तुम तो कुछ मत ही कहो, और वैसे भी ना परी तुम्हें भी हर चीज का कसूरवार ठहरा। ऐसे कैसे सोच सकती है वो? मैं खुद बात करूंगा, कहाँ है वो बताऊं तुम्हें? शौक हो जाओ, उस सजावल के साथ बाहर खाना खाने गई है। पागल हो गई है क्या वो? दिन रात ऐसी लंगड़ लंगड़ की चंद्र बेगम बोलने लगी, ओ लंगड़े बाबा कितो जा रहे हैं? रशीद मुझे भी जरा सिखाए ना। ऐसे नहीं सीखते, सबसे पहले ना अपने दिमाग में ये क्लियर करना होता है कि आप लंगड़े हैं तो लंगड़े हैं। देखिए आपका अपना जो कैरेक्टर है, जैसे कि आप लो रहे, आपने उसको दिमाग से निकालना होगा, आपने हीर को ही अपने अंदर फील करना होगा। किस तरह हीर चलती थी, क्या वो रांझे के बारे में सोचती थी, चलते हुए उसकी क्या इमेजिनेशन थी, उसे घड़क भरते हुए जा रही है, क्या सोच रही है। इमेजिन के आप चल रही हैं और आपको रांझे ने कहीं रस्ते में देख लिया, आपको देख के क्या सोचेगा, उस टाइम आपकी क्या अदा होनी चाहिए। अगर गड़ा आपने पकड़ा हुआ भी है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात, जैसे ही आप रांझे को देखेंगे आपका स्टाइल मजीद चेंज हो जाएगा। सिंपल यही कर रहे हैं, चलें कंटिन्यू। आप अच्छा कर रही हैं, बस थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आपको और करनी है। बहुत जल्दी सीख रही हो तुम, इसका मतलब है तुमने अपने दिमाग की खिड़की ना खुली रखी हुई है। अब तुम मुझे कोशिश करना है कि ताग हवा नहीं रहे। प्रैक्टिस करते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। वह देखो तलना भी नहीं आ रहा, वो इस लड़की से कुछ नहीं होना, फिजूल मेहनत कर रहे हैं रौनक भाई। चलो गाइस 5 मिनट का रेस्ट करते हैं, फिर ब्रेक। सुबह से कुछ हुआ नहीं, ब्रेक। रशीद साहब। जी भाई। सजावल नजर नहीं आ रहे। कैसे चल रही रशीद भाई की कंपनी? हाँ अच्छी जा रही, पर खैर वैसे ऑनेस्टली उनसे काफ़ी सीखने को मिलेगा तुम्हें। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है उनका लाइफ के लिए। ऑफ कोर्स ये तो। अभी आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है कि इम्प्रूवमेंट का काफ़ी मार्जिन है अभी। वाह जी वाह, आप लोग यहाँ बैठे आइसक्रीम खा रहे हैं, अंदर रिहर्सल शुरू हो गई है। वो गला खराब हो गया तो जुमला कैसे देंगे, कैसे करेंगे, इशारों से करेंगे खेड़े का किरदार? फाइनली तुम भी परफॉर्म कर रहे हो? हाँ ऐसे ही बस। चलो बेस्ट ऑफ लक। नहीं आप फिल्म नहीं कर रहे थे ना, आपके इंटरवल के बाद आना है, और इंटरवल के बाद भी आना है तो रिहर्सल तो करनी ही पड़ेगी ना, कि नहीं? वैसे रशीद साहब सीधा साधा सा किरदार है, हीर को उठा के ही तो लेकर जाना है।
दे जाएंगे। आप ना जल्दी से अंदर आ जाओ, रौनक भाई गुस्सा कर रहे हैं, रिहर्सल स्टार्ट करनी है उन्होंने। चलो आते हैं। अंदर ही बना है भाई, इधर से उधर को बुला लो, उसको बुला लो। वैसे परी, तुम भी तो हीर का किरदार कर सकती थी ना। क्यों नहीं किया? मेरा कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। चले गाइस, दोबारा स्टार्ट करते हैं। फिर से? हाँ भी, एक आध मूवी ठीक हुई है, अभी काफी इंप्रूवमेंट करनी है हमने। प्लीज स्टार्ट। बस कर यार, बच्चे की जान लेगा क्या यार, फूल सी बच्ची है, हौलाद रख। टाइम ऑलरेडी काफी कम है हमारे पास। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम जाकर कैफे में चाय पी लें। तुम चलोगे? बाकी डिस्कशन हम वहीं कर लेंगे ना। परी कहाँ? मुझे क्या पता, तुम्हें पता होगा। अब तुम आ रहे हो या हम जाएं? इसे रहने दो, उसको किसी को ढूंढने की जरूरत है। हम चलते हैं। चलो। अब मैं भी चाय पी के आती हूँ। हाँ, एज यू विश। देखिए शिकार रोजाना रात 7 बजे, क्योंकि मैं ग्रीन हूं।